बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डब्ल्यूएफयू कुकिंग टीवी में आपको वेलकम। व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश और अपने लाइफ में बिज़ी होंगे। आज व्यूअर्स, मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी सब्ज़ी लेकर आई हूँ जो खाने में बहुत मज़े की लगती है और आजकल ये बिल्कुल नई है। हाँ जी, मैं लेकर आई हूँ जी आपके लिए लंबे बैंगन और साथ में अरबी। अरबी मैंने अच्छे से पहले छील कर उसको धो लिया है, धोकर मैंने इसको पानी में डाला, ठीक है। और इनको मैंने बैंगन व्यूअर्स जो थोड़े छोटे साइज़ के थे उसको मैंने ऐसे ही फोर पीसेस में आपके सामने ये इस तरह से कट किया है, और जो थोड़े लंबे पीसेस थे उनको मैंने नीचे से कट करके ऊपर से इस तरह से रख लिया। अभी इनके अंदर मसाला क्या जाएगा जो इनको स्पेशल से तैयार करेगा जी, इसके अंदर स्पेशल जो है वो है जी टमाटर। टमाटर हम डालेंगे इसके अंदर 3 अदद, ये 1 kg, और ये भी है जी 1 kg, ठीक है। और ये देखें बन के ना, इसमें से कुछ ख़राब भी निकल आती हैं तो बन के इस तरह से इतनी सी रह गई हैं ये, ठीक है। इसके अलावा जी इसमें हम 3 अदद टमाटर डालेंगे, 3 से 4 अदद हरी मिर्च डालेंगे और कुछ साबुत हरी मिर्च भी मैं डालूँगी। इसके अलावा व्यूअर्स, नमक, मिर्च और हल्दी आप अपनी पसंद की डालिएगा। और साथ में इसको स्पेशल बनाने के लिए इसके अंदर मैं डालूँगी सूखा धनिया और सूखा अनारदाना। इसको मैंने हाथ से कुंडी डंडे की मदद से इसको मैंने पीस ली है। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे व्यूअर्स। सबसे पहले हम लेंगे जी एक बर्तन, उसके अंदर डालेंगे ऑयल या घी, और उसके अंदर जी व्यूअर्स सबसे पहले ये हम इसको थोड़ा सा लाल करेंगे और ब्राउन ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि बैंगन का कलर पहले ही ब्लैक होता है, इसलिए इसको लाइट ब्राउन करना है हमने। इतने ही प्याज ब्राउन करेंगे, लाइट से ब्राउन, और साथ में हम नमक मिर्च हल्दी डाल देंगे, और इसके साथ ही ऐड कर देंगे हम टमाटर, और टमाटरों के साथ ही ऐड करेंगे सूखा धनिया और अनारदाना। अब इसके साथ थोड़ा सा पानी हम शामिल करेंगे ताकि मसाला अच्छे से बन जाए। इसका मसाला अच्छे से भुन चुका है, अब इसके अंदर हम बैंगन शामिल करते हैं। बैंगन और अरबी शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा हिलाएंगे, और हिलाने के बाद इसको व्यूअर्स मैंने प्रेशर में बनाना है। इसको प्रेशर जब चले तो 3 मिनट के बाद हम इसको खोल देंगे प्रेशर को जी व्यूअर्स। प्रेशर खोलने के बाद मैंने इनको एक लगातार खुले बर्तन में इसको शिफ्ट किया है, और इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें शामिल की हैं, और इसको ये देखते हैं अभी ये पक रहा है। इसका जैसे ही थोड़ा सा जो पानी सब्ज़ी का है वो खुशक होगा तो फिर ये तैयार हो जाएगा। जैसे ही ये जी छुरेगा मैं ये आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी जी व्यूअर्स। बिल्कुल हंडियाँ तैयार हो चुकी है और मैंने डिश आउट की है जी आपके लिए। देखिए माशाल्लाह से इतना प्यारा इसका व्यू आ रहा है। हाँ जी व्यूअर्स, आपको मेरी ये डिश पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जी, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स में भी बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी जी, अल्लाह हाफिज़।